नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। चर्चा करेंगे नौरा फतेही के बारे में। जी हां, नौरा फतेही का नाम जैसे ही सुनते हैं तो साफ पता चल जाता है उनके आइटम सॉन्ग्स नज़रों में घूमने लगते हैं। फिर चाहे वो रॉकी हैंडसम का रॉक द पार्टी सॉन्ग हो, या फिर सत्यमेव जयते का दिलवर सॉन्ग हो, या फिर हाल ही में आई जॉन इब्राहिम की फिल्म बटला हाउस का साकी साकी सॉन्ग क्यों ना हो। अब ऐसे में बॉलीवुड के एक और रीमेक में ठुमके लगाते हुए नजर आएंगी नौरा फतेही, जिसका टीज़र आउट हो गया है। और वो टीज़र किस फिल्म से आया है? जी हाँ, वो आया है मरजावा फिल्म से, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की फिल्म मरजावा के एक और गाने में आपको नौरा फतेही के हॉट डांस का जलवा देखने को मिलेगा। यह गाना एक तो कम जिंदगानी इसके बोल है, लेकिन जो टीज़र आउट हुआ है उस टीज़र में दिया है कि प्यार दो प्यार लो, यानी साल 1986 में आई फिल्म जावाज का ये सुपरहिट गाना था। अनिल कपूर और फिरोज खान की वो सुपरहिट फिल्म थी। ऐसे में उस गाने का रीमेक बनके एक बार फिर से आ रहा है और उसमें नौरा फतेही आपको आग लगाती हुई दिखाई देंगी। जितने गाने मैंने नौरा फतेही के बारे में आपको बताए हैं, इससे पहले उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बॉक्स ऑफिस क्या जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में आइटम सॉन्ग बनाने का काम है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है और अपने डांसिंग मूव से सबको अपना दीवाना बना लिया है। ठीक इसी प्रकार इस टीज़र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौरा फतेही ने अपने लटके झटकों से गाने में तबाही मचा दी है। 10 अक्टूबर को ये गाना रिलीज़ होगा। फैंस की एक्साइटमेंट नौरा फतेही के इन स्टेप्स को देख के और इस गाने के बोल को देख के एकदम बढ़ गई है, क्योंकि गाना बेहद शानदार बताया जा रहा है। नेहा कक्कर ने इस गाने को गाया है, तो ऐसे में जब नेहा कक्कर किसी आइटम सॉन्ग्स को अपनी आवाज़ देती है तो साफ इससे अंदाज़ा लग जाता है कि गाना एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। मरजावा फिल्म के बारे में आपको बता दूं कि 8 नवंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में सिद्धार्थ और रितेश की जो जोड़ी है एक बार फिर से इश्क मोहब्बत को लेकर आपसी में झगड़े करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इससे पहले इन लोगों की फिल्म एक ब्लेन में भी ये दोनों प्यार के लिए दंगल करते दिखाई दिए थे। फिल्म का डायरेक्शन मिलाप जावरी कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए जब मिलाप जावरी किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें गानों का जो अंदाज है, या कह लीजिए फाइटिंग सीन्स, ड्रामा, डांस, सब कुछ भरपूर मिलता है। और ऐसे में अगर बातचीत की जाए मरजावा फिल्म के बारे में तो फिल्म के डायलॉग बहुत तगड़े हैं, क्योंकि ट्रेलर में साफ दिखाई चल गया था कि फिल्म के जो ट्रायल डायलॉग और कहानी है वो बेहद उम्दा और शानदार रहने वाली है। तारा सुतारिया और रकुल प्रीत सिंह आपको इस फिल्म में नज़र आएंगी रितेश और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म एक बार फिर से लोगों के दिलों में घर करने के लिए तैयार है, क्योंकि रितेश और सिद्धार्थ की जो जोड़ी एक विलेन में नज़र आई थी वो काफ़ी शानदार रही और फैंस को वो काफ़ी पसंद आई। अब ऐसे में एक तो कम जिंदगानी जो गाना है वो 10 अक्टूबर को रिलीज होगा, तब ये पता लगेगा कि जैसे ही टीज़र में नौरा फतेही ने आग लगाई है क्या पूरे गाने में उनका माल देखने को मिलेगा। नौरा फतेही के बारे में बता दें आपको कि बिग बॉस 9 से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और लगातार ऐसी फिल्में बॉलीवुड में आ रही है जिसमें नौरा फतेही के आइटम सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। एक आइटम सॉन्ग उनका जब फिल्म में आ जाता है ना तो मान लीजिए कि फिल्म के अंदर जान पड़ जाती है। 10 अक्टूबर को गाना रिलीज होगा, सभी बेकरारी से इसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा क्या ये गाना नौरा फतेही के और आइटम सॉन्ग्स की तरह सुपरहिट साबित होता है या नहीं। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।